अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। एंड हाउ स्पेंड योर हॉलीडेज? ओके, अब इसमें बॉडी ऑर्गन्स के कुछ क्विज दिए हुए हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर्स। सर्कल द, हमने इसमें सर्कल्स करने हैं। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंट्रोल बाय। अब मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा पार्ट जो है, अब तक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब इसको कंट्रोल करता है, वो कौन सा है? फ्रंटल लोब। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम। अच्छा, यहाँ पे सेरिब्रम आना था, तो सेरिब्रम के बारे में हमने लिखना था कि यहाँ पे सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपने लिखना है सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपको मैं अभी ठीक करवाती हूँ। यहाँ पे सेरिब्रम के बारे में आपने लिखना है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे थोड़ी अच्छा, हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट बीट इन अ मिनट? हार्ट बीट में हमने पढ़ा था ना, इन अ मिनट में कितना होता है? 3 मिलियन। और हमने हार्ट बीट में पढ़ा था ना आपका कि ये कितने टाइम के लिए? 70 मतलब टाइम्स के लिए। अच्छा, उसके बाद है व्हाट हैपन्ड व्हेन द आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट इन द हार्ट? आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट ब्लड विदाउट ऑक्सीजन। आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। नो, ब्लड जो है वो विदाउट ऑक्सीजन फ्लो फ्रॉम द राइट, और ब्लड विद ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम। ओके, और ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये भी नहीं है। अब हार्ट जो है हमारा, वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट इन द हार्ट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस में था कि वो लेफ्ट एट्रियम, राइट ब्लड इज द ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड विद ऑक्सीजन इज पम्प फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दो चीज़ें तो थी, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन ये नहीं है, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा। ओके, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, लंग्स किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे रिब केज। ओके, व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रीथ इन? ऑक्सीजन इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन, ऑक्सीजन इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज टेकन। द इंटेस्टाइन हेल्प टू ईट फूड, ब्रेक डाउन फूड, रिकॉग्नाइज फूड, प्रोटेक्ट, ब्रेक डाउन फूड। इंटेस्टाइन किसमें हेल्प करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो फूड नीड टू गेट रिड बॉडी इसको करता है ब्रेकन डाउन। इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो मसल्स, ब्रेन, स्केलेटन, मसल्स, हार्ट, ये सब में मतलब हमारा जो है हार्ट के अंदर मसल्स। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे बिकम, कॉन्ट्रैक्ट में क्या हमने पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट में ये शॉर्टर होते हैं, तो उसमें होगा शॉर्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह अब हम अपनी टुमारो नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर।